जाहिर पूरे देश में इस पर सुगबुगाहट होगी, लेकिन ये सुगबुगाहट शुरू हो रही है उत्तर प्रदेश से। हमारे साथ यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल जी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। भगवान राम के नाम का कई दफा आह्वान किया नरेंद्र मोदी ने, अग्रवाल साहब, मंच पर श्री राम की तस्वीर भी थी। आपको लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ? निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी जी के पास अपने कुछ कहने के कोई एजेंडे नहीं है। जिस तरीके से शुरू से ही ये धार्मिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर राजनीति करते रहे हैं, और धर्म को अभी पीछे छोड़ देंगे, ये संप्रदाय इनके लिए सबसे बड़ी चीज है, सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं। और इनके जो दूसरे दूत हैं अमित शाह, उनका भी यही काम है, वो पहले ग्राउंड तैयार करते हैं और मोदी जी आते हैं, इस तरह की चीजें। और ये पीएम इन वेटिंग है, आप इनसे इस तरह के आचरण की उम्मीद कर सकते हैं? जो इनको ये अभी दो दिन पहले चुनाव आयोग को ललकार के आ रहे हैं, ये हर संवैधानिक संस्था का आदर नहीं करना जानते हैं, उसका असम्मान करते हैं। जिस तरीके से ये राजनीति कर रहे हैं, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव आयोग को इस पे उचित कार्रवाई करनी चाहिए तुरंत, और मोदी जी के चुनाव को, मोदी जी को चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए चुनाव आयोग को। कुछ देर में अमेठी में भी उनकी रैली है, इसको लेकर घबराए हुए हैं आप लोग? नहीं, हम लोग बिल्कुल नहीं घबराए हुए हैं। आप बिल्कुल ये देख लीजिएगा, मोदी जी कहीं नहीं है, इनको सारी सीटें दे दीजिएगा तब ये 150 के ऊपर नहीं जा रहे हैं। अगर आप इनको गुजरात की 26 दे दीजिए, राजस्थान की 25 दे दीजिए, 150 के ऊपर नहीं जा रहे हैं, घबराए ये हुए हैं। अब ये अपनी असलियत पे आ चुके हैं, अभी तक ये झूठ बोल रहे थे। और ये जो इन्होंने कहा कि राम की धरती पे बैठ खड़े होकर झूठ सच बोले, तो ये वहीं सच बोलने का साहस दिखाते थे, तब समझ में आ जाता कि क्या करना चाहते हैं। ये पीछे जो मंच है उसको नहीं देख पा रहे हैं कि कहाँ पे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, राजनीतिक काम कर रहे हैं कि धार्मिक अनुष्ठान करने जा रहे हैं वो। चलिए, बहुत शुक्रिया अमरनाथ अग्रवाल जी हमसे बातचीत करने के लिए। यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल हमसे बातचीत कर रहे थे। जाहिर है जिस तरीके से ये चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है, शुरुआत तो विकास के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी ने की थी, और ये भारतीय जनता पार्टी इसका दम बार बार भरती है कि बाकी पार्टियां सांप्रदायिक मुद्दों को उठाती थी, लेकिन क्या ये अपनी राह बदल रहे हैं चुनाव के आखिरी दो दौर से पहले, ये बड़ा सवाल है।